दोस्तों नमस्कार। गुजरात में जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो देखने के लिए आए हैं। अभी हमने गेट से अंदर एंट्री पा ली है। यहाँ से एसी बस है, वहीं से ट्रैवल करके हम स्टैचू के तरफ चले जाएंगे और कुल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का। स्टैचू देखने के लिए जो टिकट निकलना पड़ता है वो ऑफिस आपको दिखाई देता होगा। बच्चों के लिए 75 रुपीज़ टिकट है और बूढ़ों के लिए 250 और 380 रुपये टिकट रखा गया है। यहाँ से आगे जो गाड़ी आपको लिए जाती है वो फ्री में सेवा दी जाती है। देखिए दोस्तों, अभी हम ये जो बस है उसी बस से ट्रैवल करके आगे चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, आगे जो बस है यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए फ्री चलाई जाती है, एसी बस है। और अभी हम जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है बिल्कुल वहाँ पहुँच गए हैं। और आपको बिल्कुल पहले हम सरदार पटेल का जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है उसकी झलक दिखा देते हैं। दोस्तों एंट्री करके हम अभी स्टैचू के पास जा रहे हैं और आगे वाला कुछ यहाँ का लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल की यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती होंगी और गुजरात वैसे ही देश का सबसे आगे रहने वाला स्टेट है। स्टैचू के नज़दीक यहाँ फाउंटेन आपको नज़र आता होगा। वैसे तो समर का सीज़न है, ऊपर सूरज महाराज की कृपा हो रही है, लेकिन आगे जो फाउंटेन्स मन को एक खुशी दे रहे हैं। हमने जो एंट्री गेट पे टिकट लिया है यहाँ चेक किया जाता है। आगे देख सकते हैं जो भी यहाँ आए हैं उनका टिकट चेक करने का काम यहाँ आगे वाले ऑफिस में हो रहा है। और बिल्कुल आगे आप देख सकते हैं सरदार पटेल जी का स्टैचू। सरदार पटेल के स्टैचू के बिल्कुल नज़दीक हम अभी पहुँच गए हैं। गुजरात का जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो केवड़िया गांव है इसी स्थान पर ये स्टैचू भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। बिल्कुल हल्के से एक सिस्टम के तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। शायद आप भी ये महसूस करते होंगे। आगे आप देख सकते हैं सरदार सरोवर का डैम का जो पानी है वो भी आपको नज़र आता होगा। स्टैचू के आगे वाला हिस्सा हम अभी आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हम स्टैचू के तरफ ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्टैचू के जो पांव हैं वहां हम पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। हम स्टैचू के पांव के पास बिल्कुल नज़दीक गए थे और वहां से जो पूरा लोकेशन आपको हम दिखाते हैं। आगे है सरदार सरोवर डैम, इसके साथ साथ बिल्कुल वहीं से आगे वाले हिस्से से हम स्टैचू के पास आए थे और ये पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं। I'm gonna go.
सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को इस स्टैचू का लोकार्पण अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया गया था। महापुरुष नाम से प्रसिद्ध सरदार पटेल, उनका काम पूरे विश्व में, इंडिया में सभी लोगों को मालूम है। अब भी मैंने उनको अभिवादन किया है। पूरे विश्व से, इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, सरदार पटेल जी को अभिवादन करते हैं। आज हमने इस भाग में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया गांव में है, वो आपको दिखाया है। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके जो कमेंट्स है, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और ऐसे हमारे आगे वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।